जिला उद्योग केंद्र और उद्यम विकास के तत्वाधान में टेराकोटा और हैंडलूम कलाकारों के सौजन्य से दिवाली मेला का आयोजन गोलघर स्थित इंदिरा बाल विहार में किया गया, जिसका उद्घाटन जिला विकास अधिकारी डॉक्टर बब्बन उपाध्याय ने फीता काटकर किया। इस दौरान उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद DDO ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा शिल्पकारों के कलाओं की सराहना की। आपको बता दें कि एक जनपद एक उद्योग के तहत जिले में टेराकोटा का चयन किया गया है, जिसको बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा दिवाली में मिट्टी के सामानों और दियों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, जो 5 नवम्बर तक चलेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी डॉक्टर बब्बन उपाध्याय और उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव ने सर रुकिएगा एक मिनट। काटिए सर, ताली बजा लीजिए भाई आप लोग। अच्छा हमारा तो ठीक से खड़े हो ना। कौन समूह है? आइए बताइए, बात बताइए। आशा, आशा कहाँ है? आशा यहाँ ये सीता महिला स्व सहायता समूह खरवलिया का ये अध्यक्ष आशा देवी। समूह वाले हम जो है जो शिल्पकार है अपने जिले में एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत हमारे जिले में टेराकोटा के का चयन हुआ है। और हमारे जिले का टेराकोटा बहुत ही मशहूर है, जो जनपद के भटहत ब्लॉक के औरंगाबाद गुलरिया भरवलिया और अन्य कई गांवों में बनता है। उसी को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर दीपावली में चूँकि तमाम लोग मोमबत्ती और ऐसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि टेराकोटा से जितने विभिन्न तरह के दीप जो जलाए जाते हैं वो दीप बना के, और टेराकोटा से जो बच्चों के लिए गोलक है जिसमें पैसा बच्चे कलेक्ट करते हैं, उस तरह के गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति, हाथी की मूर्तियाँ और फेंगशुई, ये तमाम तरह के बना के टेराकोटा से, और हम लोग इसका प्रचार प्रसार करने के लिए और इसको विक्रय के लिए यहाँ पर एक हम लोगों ने एक प्रदर्शनी लगवाया है 5 दिन का। और इसके सफलता के बाद अन्य भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको शहर में इनका स्टॉल लगवा के इसकी बिक्री की व्यवस्था बढ़ाई जाए।
अभी 25 स्टॉल लगवाए गए हैं, जिसमें NRLM की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के भी कुछ स्टॉल हैं, जो थोड़े दिनों में यहाँ फूड प्रोसेसिंग के भी कुछ यूनिट्स के हम लोग लगवा देंगे। साथ साथ यहाँ एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत टेराकोटा वालों के का दिवाली मेला लगा है, और यहाँ हैंडलूम की तरफ से आप जैसे देख रहे हैं कुछ कटवर्क के चादर वगैरह है, तो शाम तक और भी यहाँ चहल पहल होगी और उत्पाद यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। तो मेरी सारी जनपद के सभी लोगों से अनुरोध है कि इस दिवाली यहाँ से ख़रीदारी करके इन आर्टिसंस का भी सारा इनका इनको भी प्रोत्साहन मिले, इनकी दिवाली भी जगमगाए, मेरा पूरा प्रयास है, आप लोग भी सहयोग करें। धन्यवाद। कितने बजे तक रहेगा ये? 10 बजे से 8 बजे तक मेला रहेगा। तो शाम को जैसे गोलघर के एरिया में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, तो शाम को हम लोग यहाँ कुछ सुरक्षा की भी हम लोगों ने व्यवस्था करा दी है, और GDA की तरफ से भी यहाँ सुरक्षा के लोग तैनात रहेंगे।